सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले राखो रखन हार दयाला नानक करके कोले राखो रखन हार दयाला नानक करके कोले तू सुल्तान कहाँ हो मिया तेरी कवन बड़ाई जो तू देहे सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कहन ना जाई। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ आसा महला पहला कीता होवै करे कराया जिस क्या कहिए भाई जो किस करना सो कर रहया कीते क्या चतराई तेरा हुक्म भला तुद भावै नानक ताको मिले बड़ाई साचे नाम समावै रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बहुड़ हुक्म ना होई जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई जे को दर गए बहुता बोले नौ पवे बाजारी सतरंज बाजी पक्के नाही कच्ची आवे सारी ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर शिफ्त कराए ताको कहिए बंदा ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर शिफ्त कराए ताको कहिए बंदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परमेश्वर ने समुची कायनात नू अपने हुक्म विच बनाया। आरंभता विच जप जी साहब दे बचन ही ए मनुख नू सेध बख्शिश करदे ने। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाईए इक ना हुक्मी बख्शीश इक हुक्मी सदा पवाईए। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्मे जे बुझे ता हमे कहे ना कोई। हुक्म विच परमेश्वर ने कायनात नू बनाया है ते उन्हें अपने हुक्म विच ही तोरिया होया है। जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ हुक्म विच हो रहा है। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों उबना जै जै रखे आप तह जाए खड़ोबना। तेरा हुक्म होंदा है हुक्म विच तू कायनात साजी है हुक्म विच तू कायनात नू चला रहे हैं। ते गुरु पातशाह ने एक होर कृपा कर दिती कहन लगे सजना मैं ये भी गल वेखी है रब दे दर ते ओयो लोग प्रवान होए ने जिहड़े रबी हुक्म नू मनदे ने। सतगुरु की बाणी दे एक निर्मल वचन है जब लग हुक्म ना बूझता
तब ही लो दुखी आ। जदों तक गुरु का हुक्म नहीं पछाणिया उदों तक दुखी सी। एक गल चेता रखियो, मैं बेनती करा जितने भी गुरु दे कोल हुक्म ने ना, ख्याल करियो जे ये अपने नहीं है। गुरु ने रब्बी हुक्मां दी दात मनुख नूं समझाई है। गुरु ने कदे भी अपना काम नहीं कदे करवाया, ख्याल करियो कदे। गुरु ने कदे अपना हुक्म नहीं मनवाया। गुरु ओहियो हुक्म दसदे ने जिहड़ा रब दे दर ते तैनूं प्रवान करवा देवे, परमेश्वर दे दर ते तैनूं कबूल करवा देवे। साहब कहिंदे रब दे दर तों ओहदियां खुशियां दा पात्र क्यों नहीं बनदा, क्योंकि तू हुक्म नहीं बुझदा। जब लग हुक्म ना बुझता तब ही लो दुखी आ। गुरमिल हुक्म पछाणे आ तब ही ते सुखी आ। किसी भी घर विच देख लियो, कलेश इक्को ही गल दा होवेगा। जे कदे किसी प्यो पुत दा झगड़ा होवेगा, कदे पिता नूं पुछियो पुत्र इस नूं तू बड़े प्यार नाल पालिया, बड़ी श्रद्धा भावना नाल पालिया, हर जिंदगी का सुख तू इहदी झोली विच पाउणा चाहिया, अपनी जिंदगी दे दुख कट कट के अपने मुख चों भी चीज़ कढ के अपने बच्चे नूं दित्ती है, ते कल तू इस बच्चे नूं अपनी गल इस घर तों वखरा करना चाहुंदा ते अपने नाल रखना नहीं चाहुंदा, कि ये तेरा अज पुत्तर नहीं? ओ गल करदा पिता कि ना, हाँ सांझ ते मेरी अज भी पिता ते पुत्तर वाली होवे, पर अज तू इहनूं इन्ना नेड़े क्यों नहीं लाउंदा, अज तू इहदा दुश्मन क्यों बणिया? वो एक गल जवाब देवेगा, जदों तक यह मेरा आखा मनदा रहा मैं इहदी जिंदगी की हर सहूलत इहनूं बैठे नूं दित्ती है, क्योंकि आखा मनदा सी। अज यह मेरे आखे तो बागी हो गया, अज यह मेरे गल तो बागी हो गया, अज यह मेरे बचना तो बागी हो गया। जदों कदे बचना तो बागी हो जाए रिश्ता टुट जाया करदा। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा गूढ़ा है, पर बागी हो जाए टुट जाया करदा। हजूर ने रब्बी बाणी विच फैसला दे दिता, कहन लगे एक नौकर वह भी है जिहड़ा हुक्म मन के मालक दियां खुशियां नाल अपनियां झोलियां भर सकदा है। चेता रखी, एक नौकर वह भी है जिड्डा मर्जी सोहना होवे, जितना मर्जी पढ़िया लिखिया होवे, जिन्ने मर्जी उहदे कोल गुण होवन, जे वह मालक का आखा नहीं ना मनदा ते कदे कोई मालक उहनूं अपने घर नहीं जे रखदा। हजूर ने दो तरह के नौकर दियां तस्वीरां आसा दी वार विच दिखाईआं ने, चाकर लगे चाकरी चले खसमे पाए, हुरमत तिसनूं अगली ओ वजों पी दूणा खाए। चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद, गल्लां करे घनेरियां खसम ना पाए साध, आप गवाए सेवा करे तां किश पाए मान, नानक जिसनूं लगा तिस मिले लगा सो प्रमाण। फिर एक हुक्म की भी हजूर ने गल अगां दी कीती है। संखेप विच बेनती कर रहे हैं, एक बारी फिर तुहाडे सन्मुख रखा। हजूर ने एक बख्शिश की, कहन लगे भलिया पुरखा, रब ने दुनिया हुक्म विच बनाई है और हुक्म विच चला रहा है, तो उहदे दर दा इक्को ही असूल है, जिहड़ा हुक्म तो बागी वह मेरे दर तो बागी है। जे तू रब दे घर कबूल होना चाहुंदा है, केवल एक हुक्म नूं समझ लै तेरी हमें मिट जाएगी, केवल एक हुक्म नूं समझ लै तू सच्यार हो जाएगा। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, किब सच्यारा होइए किब कूड़ा टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। एक मैं इत्थे बेनती करनी चाहुंदा, मैं कल भी अर्ज दोहराई सी भी तुहाडे अस्थान ते मैं पहली बारी आया, मेरी गल नूं खिमा कर दिओ जी। अज आपां देखने हैं हर बंदा जिहड़ा दो अक्खर सिखदा है ना, वो अपना आपा गुरु कोलों वक्खरा करके बैठण की कोशिश करदा है। हर बंदा जिहदे कोल दो अक्खर आ गए गुरु की बाणी दे, हर वो बंदा गुरु तो वक्खरा होके अपनी मान प्रतिष्ठा चाहुंदा है। पर भलिया पुरखा, लेकिन चेता रखी ये रब्बी राह नहीं है, ये रब्बी राह नहीं है। रब्बी राह ते ये है तू सब कुछ करके भी गुरु दे हुक्म विच होवे, सब कुछ करके भी गुरु दे हुक्म विच होवे,
तेरी जिंदगी कितने भी पहुँच जाए, किसी मंजिल से पहुँच जाए, पर तेरी जिंदगी ये होवे गुरमुख हुक्म मने शह केरा हुक्में ही सुख पाए। हुक्में सेवे हुक्म अराधे, हुक्में समय समाए, हुक्में वर्त नेम सच संजम। अपनी जिंदगी आप झात मारने हैं। अज नाम जपण दियां किन्नियां विधियां ने, मैं हैरान हुन्ना एक भी विधि धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी वाली नहीं है। तुसीं कदे देख लियो जिन्नियां भी विधियां ने वो एक गुरु ग्रंथ साहिब नाल एक भी नहीं मिलती। कोई किवें कहिंदा, कोई किवें कहिंदा, लेकिन मेरे पातशाह नूं पुछ के देखो। मैं तुहानूं दो चार गल्लां करदी हां क्योंकि आपां समय दी सीमा च रहना है। साहिब आखते ने कहिंदे स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक एह बिद हर भजो, एक मन होए एक चित। आप जपने में दूजे पासे जिक्र है गुण को बिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर भज मना, जेह बिद आ विधि है, जेह बिद जल को मीन। तेरा आपा एक में को भी रब नाल निरंकार दियां जिन्नियां गल्लां ने, गुरु दे हुक्म दियां जिन्नियां गल्लां ने, प्यार वाले बहुत घट लोग ने। कोई विरला करोड़ा चो एक है जिहड़ा गुरु दे हुक्म नूं मन के तुरदा है। बेनती कर रहा सां, हुक्म विच रब ने दुनिया साजी है, हुक्म दे विचों चला रहा है, हुक्म दे विच ही प्यार बख्शिश करदा है। जिहड़ी बेनती करन लगा सां वो ये है, कदे आ पंगती पढ़िओ, हुक्म मने होवे प्रवान। कहिंदे किते भी मान ना करी, भाई मैनू हुक्म होया है तो मैं रब्बी हुक्म बजाना, मैं सेवा करना, मैं तो इन्ना कुछ करना। कहिंदे चेता रखियो सजना, कई बारी हुक्म मनिया होया भी प्रवान नहीं हुंदा, कई बारी तू जबरदस्ती हुक्म मनदा। इत्थे जबरदस्ती हुक्म मनिया प्रवान नहीं हुंदा, हुक्म मनिया हुक्म ते मन लिया, पर तू साईं नूं चंगा लगे है। क्योंकि कई बारी हुक्म इस तरह भी मान लेंदा भी जिस ठाकुर स्यो नाहीं चारा, तां को कीजे सद नमस्कार। जब तेरा वासना चले तू उदों भी मजबूरी च नमस्कार करना, पर इत्थे हुक्म मनिया वह प्रवान हुंदा वह सजना जिहड़ा हुक्म रब दा भाणा मिथा करके मन लवे। जिहड़ा ये कवे तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मंगे। जेड़ा ए तत्ती तवी ते बैठ के भी एक गल दी दात सेवक दी झोड़ी विच पावे ओ भलिया। जे कदे रब दे दर ते प्रवान होना है ते चेता रखी कदे रब्बी हुक्म नू ना उल्टाई, उस हुक्म विच तुरी, गुरु दे हुक्म विच तुरी। सतगुरु दी बाणी दा एक निर्मल बचन है, मेरे मालिक आखदे ने हुक्म रजाई जो चलै सो पवै खजाने। जेड़े रब्बी हुक्म विच तुर पैंदे ने और रब दे खजाने विच पै जांदे ने, ओ भलिया तू उस गुरु दा सिख है जेड़ा गुरु इस दुनिया नू तपाउण वालियां नू भी ठंडियां असीसां देंदा है। फिर ये किवें हो सकदा है उहदा सिख हुक्म तों बागी हो जाए। अज मेरे पातशाह ने एक कृपा की है, एक बख्शिश की है, कहन लगे मैं पंक्ति पूरी कर दिया। हुक्म मनिया होवे प्रवान, हुक्म मन, पर हुक्म मन के भी गुरु अगे बेनती कर, सतगुरु इनू प्रवान कर ली। एक पंक्ति और कह दिया, सेवक को सेवा बन आई, हुण करते रहे सेवा। पर अगली पंक्ति हुक्म बूझ, एक गल मन के भी सच्चे पातशाह मैं तो तेरे दर दा चाकर है, नाम तेरा आधार मेरा, ज्यो फूल जई है नार, कह कबीर गुलाम कर का जियाए पामे मार। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सोहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। एक गल नूं खिमा कर दियो, जे सिक्खी दी अज व्याख्या ही उल्टा के रख दित्ती। स्वार्थी लोगों ने सिक्खी दी व्याख्या ही उल्टा के रख दित्ती। इत्थे प्रवान वो है जिहड़ा हुक्म मनदा है, जिहड़ा हुक्म नाल चलदा है, मालिक दे दर ते वो प्रवान हो जांदा है।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਭਲਾ ਤੁਤ ਭਾਵੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਤ ਭਾਵੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪੰਗਤੀ ਗਵਾਂ ਇੱਕ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਉਜਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਢੂ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਥੜੇ ਬਣਾਓ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਥੜੇ ਬਣਾਏ, 3 ਦਿਨ ਥੜੇ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਮਿਆਂ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਰਾਮਿਆਂ ਤੇਰਾ ਥੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਥੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 3ਜੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਮਿਆਂ ਥੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਲਾ ਤਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੱਠਲ ਅਤੇ ਕਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਧੋਤਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੜਾ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਥੜਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਜੇਠੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਠਿਆ ਤੂੰ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਆਖਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਨ ਧੋਤਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੈਠਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੜਾ ਬਣਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਚਨ ਆਖੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਹਉ ਅਜਾਨ ਨਿਤ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਨਿਤ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹੈ। ਤੁਮਰੋ ਬਿਰਦ ਨਿਜ ਆਸਰੋ ਸੰਭਾਰੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਮਾਲਕ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਆ ਕੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਕਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਬੁਝਾ ਦੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਸੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੁੱਝਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਪਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਵੇਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਵੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸੱਜਣਾ,
कदे गुरु को आके तू ये गल कही है सतगुरु मैं हार गया मैनू बुझा दे। साहब कहिंदे तू तो जित कही आना, तू तो आंदे ही कहना मैं इन्ने सुखमनी साहब के पाठ करके आया, मैं इन्ने जपजी साहब के पाठ करके आया, मैं इन्ना नितनेम करके आया, मैं इन्ना सिमरन करके आया। गुरु आखदा तू तो सब कुछ समझी बैठा, मैं तेनू की समझावां, तू तो सब कुछ समझी बैठा, तेनू समझाने की लोड़ नहीं। जिस दिन इन्हें गुरु को देख के कह दिता गुरा एक देहे बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई, फिर चेता रखी उस दिन देर नहीं होवेगी। गुर पूरे तत यह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। कहिंदे उदों ही रब सेवक रब की बंदगी कर लग पैंदा जदों गुरु समझा दे। हाले सानू समझ नहीं ना लगती, तो समझ उदों तक नहीं आनी जदों तक गुरु चरणा च डिगदे नहीं, प्रवान नहीं करते। बेनती कर रहा सां सेवक को सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई। जिन्हें मन लिया भाई सतगुरु सेवा मिली है पर ये तेरे हुक्म विच मिली तू करवा नहीं होना, तो फिर तो वह परम पद की दात नूं हासिल कर लैंदा। गुरु ने उस बाबे जेठे नूं गलवकड़ी च लै लिया, कहिंदे ओ जेठिया मैं बाहरले थड़िया तो की लैना, मैं ते अंदरला थड़ा वेखना चाहुंदा सां। सिदक दा थड़ा किहदे अंदर बढ़ गया, किहदे अंदर गुरु दे टिका वाली आसन वाली थां बन गई है। बस गल चेता रखियो हजूर ने अज कृपा कीती है, तेरा हुक्म भला तुत भावे। जिन्हों तेरा हुक्म चंगा लगन लग पिया ना, जिन्हों तेरा हुक्म प्रवान हो गया, जिन्हें तेरा हुक्म खुशी नाल मन लिया तुद भाव है, वह तेनू चंगा लगता है, वह तेनू चंगा लगता है। तेरे दर ते वह प्रवान है जिहड़ा तेरे हुक्म विच टुरदा है। कालड़ा ते मनमुख भी बहुत करदा है, कालड़ा उह भी करदा है पर उदी थां ही नहीं पैंदी क्योंकि वह हुक्म नहीं बुझदा। खैर अगे चलीए आपां। नानक तां को मिले वडाई साचे नाम समावै। हजूर गुरु नानक साहिब पिता जी ये बचन आखते ने, उस पुरख नूं रब दे दर ते वडियाई मिलदी है ते सच्चे नाम विच उह समा जांदा है जेड़ा जीव गुरु दे हुक्म विच तुर पवे, रब्बी हुक्म विच तुर पवे, उनू परमेश्वर दे दर ते वडियाई मिलदी है। पहलियां पंक्तियां ने, कीता होवे करे कराया जिस क्या कहिए भाई, जो किश करना सो कर रहा कीते क्या चतराई। पंक्तियां नूं बहुत ध्यान नाल समझो जी, एक बड़ी गुंझल खोलदियां ने पंक्तियां। मैं एक बारी थोड़े थोड़े अर्थ कर दिया, कीता होवे करे कराया, कीता होवे दुनिया विच जो कुछ हुंदा है करे कराया वो तेरा कराया होया हुंदा है। हे रब्बा दुनिया विच जो कुछ वरत रहा है वो तेरे हुक्म विच वरत रहा है। कीता होवे करे कराया किस क्या कहिए भाई, हुण तेनू कोई की कवे, तेरे दर ते हुक्म तो नहीं चलदा ना। रब्बी बाणी दे इक बचन है, जिसदा दिता खाबना तिस कहिए शाबाश, नानक हुक्म ना चले ही। रब दे घर हुक्म नहीं चलता, दुनियादारा विच तू हुक्म कर सकना, हाकम हो सकना, लेकिन इत्थे निमाणा होना पवेगा, इत्थे निताणा होना पवेगा। तू अपने घर जिड्डा मर्जी वड्डा हो सकना है लेकिन इत्थे तां निमाणिआं नूं मान मिलदा है। सतगुरु ने कृपा कीती, बचन आखे ने कहिंदे रब नूं कोई किवें कह सकदा, उहदे हुक्म नूं कोई किवें कह सकदा भी तू इवें नहीं इवें कर, नहीं। सतगुरु दा बचन है, कीता होवे करे कराया तिस क्या कहिए भाई, जो कुछ करना सो कर रहा, जो तैनूं चंगा लगदा वह तू कर रहा है, कीते क्या चतराई। तेरे कीते दे उत्ते आ जीव बेचारा ये चतराइयां करके किवें पार हो सकदा, तेरा कीता होया तेरे अगे की चतराई कर सकदा। हुण इस पंक्ति नूं समझ लैणा, एक पासे तां जिक्र है भई सब कुछ तेरा कीता हुंदा है,
दूजे पासे जिक्र है भी तू हुक्म विच चल ते तेरी रब दे घर प्रवानगी तां होनी है। हुण इह दो गल्लां ने ना जिहड़ियां उह अक्सर धर्म दी दुनिया च कुल जाणा है भई जे सब कुछ रब करदा जीव क्यों दोषी है, जे जीव दोषी है ते रब दा करिया की हुंदा है। कई बार असी इस गल नूं समझ नहीं पाउंदे। हजूर ने इत्थे गल इह बिल्कुल स्पष्ट कर दित्ती है, कहिंदे सजणा गल इह नहीं है, गल यह भी तैनू मालिक ने परमेश्वर ने एक आजादी दे के भेजे है। गल नूं बहुत समझना ध्यान नाल। तैनू मालिक ने दोवें दातां तेरे कोल रखियां ने, तेरे कोल अमृत भी रखे आ, तेरे कोल जहर भी रखी है। और जे तैनू पता ना लगे भी अमृत केड़ा जहर केड़ा, एदी पहचान करन वास्ते तेरे कोल गुरु दिता है। बाकी किसी भी समुची कायनात को गुरु नहीं है, ना पशुओं का गुरु है, ना पंछियों का गुरु है, ना कायनात ये जमीन जायदाद जितना भी कुछ आप देखने हैं ये बनस्पति का कोई गुरु नहीं है। गुरु केवल मनुख ले आया, मनुख का गुरु है। साहब आखते ने कहने तेरे अगे दो चीज़ा रखिया सन, बाकी जड़िया चीज़ा ने पशु ने मैं उन्हें अगे दो चीज़ा नहीं रखिया, उन्होंने अगे इको एक चीज़ रखी है। तुसी कदे ध्यान दे के देखियो, भंग है खेतों च लगी हुंदी है, सुखा है खेतों च लग्या हुंदा है, लेकिन गावां मझां कदे नहीं खाणगियां, क्योंकि रब ने उन्हां दे अंदर इहो जी ताकत पा दित्ती भी तू ये सुनी खाणा, तू बेहोश होगी कौन सांभेगा। लेकिन मनुख नूं समझा दिता भी आ एक नशे वाला बूटा है, जे तू खावे तो नशे विच आ सकना, जे तू ना खावे तो सोजी विच रह सकना। आ एक शराब है, ये जहर है, ये अंगूर ने, इहदे तो तू जहर भी बना सकना, अमृत भी बना सकना, तेरी मर्जी है। तेरे सामने मैं दोए गल्लां रखियां ने, चंगे काम भी रखे ने, माड़े काम भी रखे ने। कदे वेख्यो मेरी गल नूं बुरा ना मनायो, खिमा करियो, जे मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा, जितने जानवर ने उन्हां च विकारी भावना हर वक्त नहीं रहिंदी, लेकिन एक मनुख है इहदे च हर वक्त विकारी भावना है। रब ने इहनूं ज्ञान दिता सी भी तू इस तों बचना है, पर इसे रस्ते तुर गया। हुण हजूर आखदे ने कहिंदे मालिक ने तैनू आजादी दित्ती सी, उह भलिया तैनू साजिया हुक्म विच है, रह तू हुक्म विच रहा, पर तेरे अगे दोवें चीज़ां रखियां सन, तू एक गल नूं चुन सके, तैनू पहचान ना आवे, गुरु कोलों पुछ। पर जे गुरु दे दुहाई पाउण दे बावजूद भी तू जहर दे फल इकट्ठे करके रब दे घर लै जाए, तो फिर दोषी रब नूं ठहराए ते तेरी गलती है ना। गुरु ने तो दुहाई पाई सी ना, अन काए रतलिया वाट दुहेली राम, पाप कमाम लिया तेरा कोई ना बेली राम, कोई ना बेली होए तेरा सरा पछो तामे, गुण गोपाल ना जपो रसना फिर कदों से दे आवे, तरवर बिछुने न पात जुड़ते गम कौन अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर कै सदा फिर तो दुहेली। गुरु ने तो दुहाई पाई सी, ऐसा काम मूले ना कीता जित अंत पछोत आई है। गुरु ने तो हर वक्त ही ये गल आखी सी, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले, साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइए, ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोत आई है। जे तू फिर भी ओहजे काम करके चला गया तो कसूर रब दा थोड़ा है, ये तो तेरी अपनी गल है ना। तेन गुरु ने तो कू कू के आख्या सी, फरीदा जे तू अकले लतीफ काले लिख ना लेख, अपन ले गिरीबान मैं सिर नीवा कर देख, तू जान दिया होया तू अनजान बन के रहा, ये दोष रब नू ना दे। तेन पता सी, तेन पता सी ये गल्लां गलत ने, तेन गुरु ने समझाइया सी, पर तू नहीं हटिया, ये दोष रब नू थोड़ा है। तो हुक्म तोड़िया, वह हुक्म तोड़ के जीवन की कोशिश की है, तो रब दे कर एक बेनती होर खिमा कर दी हो जी। तुसी कदे भी किसी बंदे नूं इवें नहीं वेख्या होएगा, कोई दुनिया का बंदा ले लो, कोई विद्यार्थी पढ़ता, मान लो एक उदाहरण ले लीए, तो वह जाके उन्हूं कवे उस्ताद नूं भाई तुसी एग्जाम ना लो, तो मैं तो जितना भी सिलेबस है सारे का सारा पढ़ लिया, तो मेरे को किताबा पईया ने, मैं एक बारी दो बारी तीन बारी पढ़ लैंदा। उस्ताद एक गल कहेगा भी सजना कोई भी सिक्ख्या उदों तक पक्की नहीं हुंदी जदों तक प्रीख्या विचों नहीं लंघदी।
कोई भी सिक्ख्या प्रवान उदों हुंदी है जदों वह प्रीख्या विचों लंघदी है। तो मैं तैनूं आ जिहड़ी रब्बी बाणी की सिक्ख्या दित्ती है ना, जदों मैं तेरा जीवन वेखना, तेरे जीवन विच मैं प्रीख्या पाउना, तैनू गुरु दर तो यह कह के भेजदा पर तेरी आ रूप ना पेखे नेत्र, फिर जदों तेरे जीवन विच यह घटना घटती है उदों मैं प्रीख्या लैना, तू पास हुंना कि फेल हुंना। जदों कदे तेरे जीवन विच दुनिया के अंदर घटना घटती है तो फिर तैनू मैं वेखना प्रीख्या के वेले तू पास हुंना कि फेल हुंना। साहिब आखदे ने कहिंदे चेता रखो सजना, अज असी इहो भुल कर रहे हैं रब्बी बाणी नू पढ़ी जा रहे हैं, खिमा करियो पढ़ी जा रहे, लड़ियां दियां लड़ियां लाइयां होईयां ने पढ़न लई, लेकिन किसी नू आखो भी शब्द दियां तीन अवस्थावां हुंदियां ने। इत्थे रोक के मैं फिर गल करन लगा। पहली गल है शब्द नू केवल पढ़ लैना, जान लैना, गा लैना, सुन लैना, यह पहली अवस्था है, कोई भी कर सकता है। दूजी अवस्था है शब्द विच की दिता है, इस तत् भाव नू जान लेना, यह विरले लोग ने। पर सुखमनी साहब बहुत लोगों नू याद होएगी, बहुत लोग पाठ करते होणगे, पर सुखमनी साहब का तत् की है यह किसी विरले नू पता होएगा। लेकिन ऐसे भी बहुत मिल जाएंगे जिन्हां नू सुखमनी साहब के तत् का पता होगा, पर जिहदा जीवन सुखमनी साहब वर्गा होवे ऐसा करोड़ों चो इक अद्धा लभेगा। ते साहिब आखते ने मैं तां तैनूं गुरबाणी चलण वास्ते दित्ती सी, हुक्म रजाई चलना, हुक्म रजाई पढ़ना नहीं है। केवल असी हुक्म नूं पढ़ ही जाने हैं, हुक्म मनदे कोई नहीं, हुक्म अनुसार चलदे कोई नहीं, जे और कुछ भी नहीं हो सकता सच्चे दे अगे। इन्नी ओ अरदास करदी है भी सच्चे पातशाह प्रीख्या ना पाई मैं पास नहीं हो सकना, इन्नी ओ अरदास करदी है, जे और कुछ भी नहीं हो सकता इन्नी अरदास ही करती है, तो प्रीख्या ना पाई मैं पास नहीं हो सकना, मैं एडा लायक विद्यार्थी नहीं है। तो चेता रखियो गुरु ओ है ना जेड़ा फिर अपने सेवक की आपे रखे, कहना तू ये गल कह दिती ना मैं पास नहीं हो सकता, मैं तैनू एग्जाम भी पावगा पर तैनू मैं पास भी करांगा। साहब वो किवें, हजूर कहिंदे अपने सेवक की आपे रखे, आपे नाम जपावे, जय जय काज किरत सेवक की तहां तहां उठतावे, सेवक को निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होए आवे। वो कहते गुरु के चरणों च डिगता सही सजना, कहता सही गुरु अगे मैं हार गया, कहता सही गुरु अगे मैं तेरे दर का सेवक बन के आ गया। ये तो घर ही गरीबा का, ये तो घर ही निमाणिया का, निमाणे माण करें तुद भावे, कहते जो कोई निमाणा तेरे ते माण करता ना तेनू बड़ा चंगा लगता है, तेनू बड़ा चंगा लगता है, तू फिर किसे कुंगणियां बेचण वाले जेठे दे सिर तो छाबड़ी चुक दिना, फिर उहदे सिर ते सेवा दा टोकरा रख दिना, जदों कोई टोकरे ते भी इतराज करे, जवाइयां दा घर यह नहीं हुंदा, जवाइयां दा काम यह नहीं हुंदा सहुरियां दे घर टोकरे ढोणे, जदों कोई टोकरियां ते भी इतराज कर देवे ओह तू छाबड़ी चुक के टोकरा रखिया, जो टोकरे से भी इतराज किया तो टोकरे ने छत्र बना दिता, लै हुण तैनू कोई इतराज नहीं करेगा, हुण यह कहेगा धन धन रामदास गुरु जिन सिरिया तिने सवारिया। पर उस गुरु रामदास ने एक गल कही सी, मालिक मेरा तेरे तो बिना कोई नहीं है, मेरा तेरे तो बिना कोई नहीं, बस इस हुक्म नू किते गुरु दे नू पल्ले बन लईए। अज दा मालिक ने बचन बख्शे है, कहिंदे हे रब्बा कीता तां तेरा ही हो रहा है, पर असी एक जीव है जेड़े तेरे कीते होए असी तेरे नाल क्या चतराइयां कर सकने, तू सानू समझ आ दे। सानू समझ नहीं लगदी, जे सानू समझ लग जाए मालक मेरा मेरे नाल है फिर मैं काहदे लई चतराई करा, फिर मैनू पता होवे सामने वाला इहदे विच वी रब वसदा, मैं जिहड़ियां चलाकियां करदा ना उह रब जाणदा। तुसीं कदे ध्यान ना देखियो मेरे वर्गा कई वारी इहो जिहियां पंगतियां पढ़दा भी हम अब गुण भरे एक गुण नाहीं,
ਜਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਈ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜ਼ਬਾਨ ਉਲਟ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹਉ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹਉ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਹਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬਾ, ਕਿਰਤ ਪਇਆ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁੜ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਪਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਉਹੀਓ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਲ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਲਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, 3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪੇਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਜਣਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕਾਹਲੇ ਲਿਆਂ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਭਈ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦੇਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥੀ ਰਾਹ ਸਮਝਾਓ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਹਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਈ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਹ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਵਕ ਮੁਰੀਦ ਚੇਲਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੇ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਸਾਫ਼। ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪੇਪਰ ਸਾਫ਼, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਚੁੰਮੀ, ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਾਈ
ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਮੀ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਲਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਖਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕਾਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਨੱਚ ਉੱਠੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਲਿਆ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਿਖ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਅਜਾਨ ਨਿਤ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਲਦਾ। ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਮ ਭੂਲ ਬਿਗਾਰੇ ਦਿਨ ਸ ਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜਪ ਤਪ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਭਰ ਲਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਾਂ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਪੇਪਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਖਰ ਲਿਖਵਾ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਹਜੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ 2 ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪ 2 ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰ ਦਰਵੇਸ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੁਆਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਤ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮਟਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਗਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਉੱਥੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਨੰਗਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮਿਟਾ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ।
लेकिन मालिक दे चरणों में जुड़ के वेख। साहिब ने अज कृपा की, अमृत बचन बख्शे ने, जिहो जी रब ने किरत लिख के पाई है उहो जी तैनू हुक्म मनना पैना, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, जिहो जिहा लिख के लेके गया उहा जिहा पढ़िया गया, उहा जिहा पढ़िया जाना। मेट ना सकै कोई, तो ये गल कोई मेट भी नहीं सकता, किसी को ताकत भी नहीं है। जे को दरक है बहुता बोले, जे कोई रब की दरगाह च बहुता ही हुक्म दे उत्ते इतराज करे ना, बहुतियां गल्लां करे, नौं पवे बाजारी, उस बंदे दा नौं रब दे घर विच बहुता बोलण झखण होए दे बराबर गिणिया जांदा है, वो झख मारन वाला गिणिया जांदा है, उहदा कोई सत्कार नहीं हुंदा। जिहड़ा रब्बी हुक्म दे उत्ते ही उंगली चुकी जावे, रब्बा तू ऐसा क्यों कीता, रब्बा तू ऐसा क्यों कीता, उहदी बजाए हुक्म रजाई चलणा नूं प्रवान कर लवे, प्रवान कर लवे। एक इत्थे अर्ज़ होर करां, रब नूं कोई अपने हुक्म विच चलाउण दी कोई भावना नहीं है, उहदे अंदर ये कोई भावना नहीं भी तुसीं मेरे हुक्म विच ही चलोगे ते मैनूं इस गल च कोई रस है भी तुसीं नहीं। उहदे हुक्म विच चलण दा यह लाभ है, क्योंकि तुम करो भला हम भलो ना जाने, तू मेरा भला करदा पर मैं भले नूं जाणदा कोई नहीं। साडी ते मत इहो जी ना, चंचल मत बारक बपरे की सर्प अग्न कर मेले, माता पिता कंठ लाए रखै अनत सहज तब खेलै। हुण बच्चा भज के सप नूं पकड़ना चाहुंदा है, वो अग नूं पकड़ना चाहुंदा है, ते मां उहनूं पकड़ नहीं देंदी। वो बच्चा कहे मां तू चंगा प्यार करनी है मेरे नाल, उदा तू मैनूं कहनी है महंगे तो महंगा खिलौना मंग, मैनूं जान भी मंग, मैं तेनूं देण दी तैयार है, ते इहदे नाल तू मैनूं खेडण नहीं देंदी, अग नाल खेड लैण दे तेनूं की हुंदा है। मां नूं इक्को ही जवाब सुझेगा, वह कहेगी पुत जिस दिन तेरा हथ सड़ गया ना, उस दिन सच दसा हथ तेरा सड़ेगा, सड़न मां दे हिरदे च पएगी, सड़न मां दे हिरदे च पएगी। गुरु आखदा पुत्रा मैं तेनू हुक्म अनुसार तां चलाउणा चाहुंदा है, तू अपने हुक्म अनुसार चल के जदों कुराहे पएगा ठोकरा खाएगा मैनू दुख लगेगा, जदों मैं तेनू अपने हुक्म अनुसार इसलिए चलाउणा चाहुंदा तू मंजिल ते पहुँच जाए। गुरसिख मीत चलो गुरु चाली, जो गुरु कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। समा चले एक मिनट बाकी है, आप समाप्ति दे नेड़े होइए। साहब जी कृपा करे ने, सतरंज बाजी पक्कै नाहीं काची आवे सारी। ओ जीव कदे अपने जीवन दी बाजी नहीं जित सकदा जिहड़ा कदे हुक्म विच नहीं टुरदा। ना को पढ़िया पंडित बिना, ना को मूर्ख मंदा, ना कोई दुनिया दे विच विद्वान है, ना ही कोई बहुता पढ़िया लिखिया, रब दे घर इस गल की कोई बहुती पाया नहीं भाई मैं सारी जिंदगी कथा करता रहा मैं तो बहुत विद्वान है। सारी जिंदगी लोग कहिंदे रे पंथ का विद्वान, तो जदों गल कि अपने अंदर नूं पुछ के वेखो ना, फिर अंदरों जवाब मिलता है, कहिंदे ना महाराज जी, ना को जे ना को पढ़िया पंडित बिना, ना को मूर्ख मंदा, बंदी अंदर सिफत कराए ता को कहिए बंदा। जेड़ा रब्बी बंदिश विच पै के रब दी सिफत सलाह करदा है ओयो बंदा है, ओयो मनुख है, नहीं ते एदा चोला मनुखां वाला है, करतूत पशु की मानस जात। ए बंदा ता है, बंदे वाला एदा शरीर है, अते ए बंदा कहाउण दा हकदार ता है जे रब दी सिफत सलाह करदा है। आओ फिर अखीरी एक पंक्ति कह के समाप्ति करा, रब दियां मैं सिफत सलामां किवें करा। हजूर ने एक ही पंक्ति च जवाब दे दिता, कहो नानक करते कीआं बातां, रब दियां गल्लां कर की करा, जो कुछ करना सो कर रहा रब्बा, जिहड़ा तू कर रहा ना वह मैनू चंगा लगन लग जाए। बस जिस दिन रब दा करिया चंगा लगन लग पिया उस दिन साडा जीवन ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।